हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर कैरेक्ट्रिस्टिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपाइलर इंटरप्रेटर जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इनसे रिलेटेड कुछ एम प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एम प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपका थ्योरी जो है क्लियर होना चाहिए थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से एम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सबसे पहला है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम तो लैटिन जर्मन फ्रेंच अरेबिक ये ऑप्शन है आपके पास तो कंप्यूटर वर्ड जो आया है ये लैटिन वर्ड से या फिर ग्रीक वर्ड से भी डिराइव हुआ तो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड यानी कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू थिंक और वहीं पर ग्रीक वर्ड है कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट तो आपको दोनों ऑप्शन ही पता होना चाहिए दोनों में से कोई भी आपको अगर मिल जाता है तो आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है तो जो कंप्यूटर है तो लैटिन वर्ड से कंप्यूटर जिसका मतलब होता है टू थिंक और वहीं पर कंप्यूटर वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से भी आया है कंप्यूट जिसका मतलब होता है कैलकुलेट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का फादर कौन है ऑप्शन है एलन टर्निंग चार्ल्स बेबे सेमर

नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिप्रेजेंट फैक्ट्स वेर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले वाले फिल इन ब्लैंक्स में क्या आएगा दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग यानी कि इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट फैक्ट डेटा मेड मीनिंगफुल या फिर ऑप्शन बी डेटा इन्फॉर्मेशन डेटा रिप्रेजेंट रॉफ एक्ट वेर इज इंफॉर्मेशन बिट्स करता है इंफॉर्मेशन क्या होता है मीनिंगफुल डेटा होता है तो डेटा रिप्रेजेंट रॉफ एक्ट वेर इज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल वेर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड वेन द प्रोसेसर यूज प्रोसेसर किसी डेटा प्रोग्राम को यूज करता है तो वो कहां स्टोर होता है मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क मेमोरी में फिर प्रोग्राम मेमोरी में तो देखिए आपने पढ़ा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी रैम वहां पे क्या होता है वो मेन प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी कहलाता है तो वहां पर जब भी कोई डेटा आप यूज कर रहे होते हो तो उस वक्त वो स्टोर होता है और जब उसको सेव कर देते हो तो कहा तो चला जाता है रोम में रीड ऑनली मेमोरी में तो यहां पर क्या ऑप्शन ए मेन मेमोरी नेक्स्ट है आईपीओस साइकिल स्टैंड फॉर तो कंप्यूटर में आईपीओ एस साइकिल क्या होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल या फिर इनपुट प्लान आउटपुट स्टोरेज साइकिल या फिर इनपुट प्लान ऑपरेशन स्टोरेज साइकिल या फिर ऑप्शन डी तो IPOS यहां पर सिंपल सा कंप्यूटर में जैसा होता है कि इनपुट होता है प्रोसेसिंग होता है आउटपुट आएगा और क्या होगा स्टोरेज होता है तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल कहलाता है आई पी ओ एस साइकिल विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज आपको बताना है कि यहाँ पे लैंग्वेज तो आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दीगे ऑप्शन में से कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है बेसिक कोबोल फोटान प्रो सी सी प्लस प्लस या फिर ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज तो यहाँ पे जो कैट ऑप्शन आपने पता ही होगा लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है असेंबली लैंग्वेज देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज दो लेवल डिवाइडेड है लो लेवल और हाई लेवल लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं वहीं पर हाई लेवल में जनरल पर्पज लैंग्वेज हो गया स्पेशल परपज लैंग्वेज हो गया जिसमें कि कंपाइलर बेस्ड होता है कुछ इंटरप्रिटर बेस्ड होता है जैसे कि एलगोल फोट्रान कोबोल ये कंपाइलर बेस्ड है वहीं पर इंटरप्रिटर में बेसी के पी एल पास कल पी एल आई ये सब क्या है इंटरप्रिटर बेस्ड होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए तो लो लेवल लैंग्वेज में दो लेवल है

ऑप्शन ए फास्ट नहीं है ऑप्शन बी पावरफुल नहीं है ऑप्शन सी इनफेलिबल है या फिर ऑप्शन डी चीप नहीं है तो क्या नहीं है तो मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल तो है लेकिन क्या नहीं है तो बट यहाँ पे क्या है फास्ट भी है पावरफुल भी है चीप भी है लेकिन ऑप्शन सी इनफेलेबल नहीं है इनफेलेबल मतलब क्या क्या हो गया अनमिस्टेकेबल यानी कि ऐसा नहीं है कि उनसे मिस्टेक नहीं होता मिस्टेक होता है तो अनमिस्टेकेबल नहीं है नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड होता है उसमें जो है चिप्स माउंटेड होते हैं नंबर ऑफ चिप्स तो उसको क्या कहते हैं डॉटर बोर्ड मदर बोर्ड फादर बोर्ड या फिर ब्रेड बोर्ड यहाँ पे सभी को बताना चाहिए मदर बोर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है वॉट इज मेड बाई ए डेडिकेटेड कंप्यूटर यानी कि डेडिकेटेड कंप्यूटर अगर आप किसी को कह रहे हैं तो वो कंप्यूटर का क्या मतलब है ऑप्शन है विच इज यूज बाई वन पर्सन ऑल यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर जो कि एक पर्सन

Has. तो आपको बताना है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं इंटरप्रेटर सेटर कंपाइलर या फिर कमांडर ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी कंपाइलर कंपाइलर क्या है इंटायर प्रोग्राम को इकट्ठे जो है मशीन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देता है वहीं पर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि लाइन बाई लाइन वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में तो आपको पता होना चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नॉन एज यानी कि कोई भी फॉल्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि उसको करेक्टली वर्क करने से रोकता है उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए बूट ऑप्शन बी बग ऑप्शन सी बिफ या फिर ऑप्शन डी स्ट्रैप तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 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 बग बग आपने देखा होगा कि क्या है करक्टली करेक्टली जो है वो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है कुछ ना कुछ एयर आ जाता है उसको क्या कहते हैं बगाना नेक्स्ट है क्वेश्चन रैम स्टैंड फॉर आर एम स्टैंड फॉर तो सभी को बताना चाहिए रैंडम एक्सेज मेमोरी तो करेट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन डी रैडम एक्सेज मेमोरी मेमोरी क्या है दो टाइप की है रैम और रोम रैम क्या है एस आर एम डी आर एम उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं स्टेटेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वहीं पर रोम में रीड ऑनली मेमोरी में क्या है प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी वहीं यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ये सभी आपको स्पेलिंग याद होने चाहिए नेक्स्ट है बी आईओएस स्टैंड फॉर तो बी आईओ एस क्या होता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी आईओस बायो क्या कहते हैं कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है अब यहां पे देखिए क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये भी क्या होता है तो प्रोग्राम कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर्ड ऑन तो बायोस का यूज कब होता है कंप्यूटर कब यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर वो यूज करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है इट ऑल्सो मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइसेज सचेज हार्ड डिस्क वीडियो अडाप्टर की बोर्ड माउस एंड प्रिंटर तो बायोस ही है जो कि क्या करता है वो जो अलग अलग डिवाइसेज अटैच होते हैं उनके बीच में वो कंप्यूनिकेशन भी करता है डेटा फ्लो को मैनेज करता है तो बायोस का काम होता है तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है आउट ऑफ दीज च वन इज ए वोलाटाइल मेमोरी तो आपको नीचे कौन सा हैोलाटाइल मेमोरी तो है तो ऑप्शन बी रैम वोलाटाइल यानी कि जहां पर अगर लाइट चली गई तो फिर आपका डेटा चला जाएगा अगर वो सेव नहीं हुआ है तो वहीं पर बाकी क्या है वो नॉन वोलाटाइल यानी कि लाइट चले जाने के बाद भी वहां पर डेटा सेव रहता है तो रैम ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी कंटेंट विल बी वाइप्ड आउट एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विचड ऑफ तो जिसको रैम को हम क्या कहते हैं मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और ये क्या है वोला टाइल है क्यों क्योंकि क्यों? यहाँ पे ही light off जैसे ही लाइट ऑफ होगी जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ें डेटा होंगी वो चला जाएगा नेक्स्ट है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड टू सफर फ्रॉम बोर्डम विच कैरेक्ट्रिस्टिक्स इज दिस्ट यहाँ पर और है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और सफर फ्रॉम बोर्डम विच कैरेक्ट्रिस्टिक्स इज दिस्ट ये कंप्यूटर का कौन सा कैरेक्ट्रिस्टिक है वर्सेडिलिटी डिलीजेंस ऑटोमेशन या फिर एक्सी तो कंटिन्यूस जो है काम करता रहता है बोर भी नहीं होता है एक ही काम को परफॉर्म कर, करने में तो इसको कहते हैं डिलीजेंस ऑप्शन बेज द कैट ऑप्शन वर्सेडिटी में क्या होता है कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क यानी कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हो वर्सेटाइल नेचर होता है ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक वो कंप्लीट कर देता है टास्क को अगर आपने सारे इंस्ट्रक्शन सही से दे दिए हैं वहीं पर एक यानी कि कोई भी एरर नहीं होता है फिर बहुत ही कम एरर होता है मिनिमम मिनिमल एरर होता है तो एक्यूरेसी भी वहां पे होती है तो ये कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की तो आपको याद करना होगा नेक्स्ट है विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का लिमिटेशन कौन सा है नीचे जीरो आई क्यू नो थिंकिंग पावर डिपेंडेंस ऑन पावर या फिर ऑप्शन डी ऑल तो देखिए कंप्यूटर की कोई आई क्यू नहीं होती है जो प्रोग्राम में डाल दिया गया वही होता है नो थिंकिंग पावर उनके पास कोई थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है और डिपेंडेंस और पावर पावर पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है तब तक चलेंगे नहीं तो बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या है लिमिटेशन है तीनों ही तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब हो जाएगा करेट ऑप्शन नेक्स्ट है परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो परम क्या है सुपर कंप्यूटर पीसी है लैपटॉप है या फिर ऑप्शन डी पीडीए है तो परम क्या है परम सभी ने सुना होगा ये क्या है सुपर कंप्यूटर है ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन तो यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो आप जो है कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं टाइप के बेसिस में एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड साइज के बेसिस में माइक्रो मिनी मेम फ्रेम और सुपर और बाई परपज के बेसिस में जनरल पर्पज है फिर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है तो इस तरीके से इनको जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं तो क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए पीसी तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर जो कि पीसी के फॉर्म में अवेलेबल है मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर फिर बोथ बी एंड सी यानी कि माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर तो पीसी के फॉर्म में कौन सा कंप्यूटर अवेलेबल होता है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो हम पीसी भी कहते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट सिग्नल तो आपको बताने कि एनालॉग, डिजिटल या फिर हाइब्रिड या फिर बोथ में किसमें जो है डिस्क्रीट सिग्नल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एनालॉग में डिजिटल में फिर हाइब्रिड में तो क्या है ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में क्या है डिस्क्रीट सिग्नल में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर को उसको क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ह्यूमन वेयर फिर ऑल ऑफ दिस तो देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो आपको विजिबल है जो आप टच कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं हार्डवेयर ऑप्शन बेज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड यानी कि ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे मेजरिंग मेजर भी मेजरमेंट भी होता है और काउंटिंग भी होता है तो उसको क्या कहते हैं एनोलॉग डिजिटल हाइब्रिड या फिर ऑल ऑफ दिस तो देखिए दोनों काम हो रहा है मेजरिंग भी हो रही है काउंटिंग भी हो रही है तो उसको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर मेजरिंग हो रही होती तो एनालॉग और काउंटिंग हो रही होती तो डिजिटल तो यहां हो जाएगा हाइब्रिड नेक्स्ट है नोटबुक लैपटॉप पाल्म हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश कंप्यूटर तो नोटबुक लैपटॉप हैंडहेल्ड कंप्यूटर किसके किस कैटेगरी में आते हैं डिजिटल कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर में पोर्टेबल कंप्यूटर में फिर हाइब्रिड कंप्यूटर में तो देखिए नोटबुक है लैपटॉप है पाल में इन सभी को आप जो है लेके हाथ में लेके जा सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर ऑप्शन सी पोर्टेबल यानी जिसको लेके आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज यानी कि नीचे दिखाई ऑप्शन बताना कि कौन सा कंप्यूटर साइज में बड़ा होता है तो माइक्रो मेन फ्रेम सुपर या फिर मिनी तो आप मेन फ्रेम बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है तो ऑप्शन बेस दी करेक्ट ऑप्शन मेन फ्रेम जो है साइज में बड़ा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा पीछे नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पज माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर यानी कि आपको नीचे दिए गए ऑप्शन मैं बताना है कि कौन सा है जो कि स्मॉल जनरल पर्पज माइक्रो कंप्यूटर है और पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा है हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर डेस्कटॉप है लैपटॉप तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन करा जाए ऑप्शन सी डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है वो जनरल पर्पज कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होता है जो कि पोर्टेबल कंप्यूटर से बड़ा होता है नेक्स्ट है डैश कंप्यूटर्स ऑपरेट इसेंसली बाई काउंटिंग तो काउंटिंग किस में होती है अभी आपने पीछे देखा कि क्या होता है मेजरमेंट और तो काउंटिंग दोनों होती है किस में हाइब्रिड में मेजरमेंट किस में?

सिस्टम के बीच में यूजर इंटरफेस लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन से हाँ पे नाम में क्लियर है यूजर इंटरफेस यानी कि ऑपरेशन ऐसा प्रोसेस या फिर कंट्रोल जो कि इंटरेक्शन यूजर यानी कि हम और कंप्यूटर के बीच में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन आता है यूजर इंटरफेस आता है तो ऑप्शन इज दट ऑप्शन नेक्स्ट है यूनिवैक इज यूनिवेक यूनिवैक का फुलफॉर्म क्या है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको फुलफॉर्म याद करना पड़ेगा यूनिवैक तो का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर

ईसी स्टैंड फॉर तो ईबीसी डीआईसी स्टैंड फॉर क्या होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बिट डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी के डेसिमल इंटरचेंज कोड तो देखिए अगर ये या याद होगा तभी आप इसमें करेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे यहां तुक्का नहीं चलने वाला तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ई बी सी डी आईसी का फुल फॉर्म ये होता है एम एस आई का मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू सीपीयू का कौन सा पार्ट है प्रिंटर कीबोर्ड माउस एथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो आपने पढ़ा होगा हार्ड जो स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू में क्या होता है अरिथमेटिक यानी कि ए और क्या होता है कंट्रोल यूनिट तो ए एल यू यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट तो ये क्या है सी पी यू का पार्ट है प्रिंटर नहीं होता है की बोर्ड अलग होता है माउस भी अलग होता है तो करेट ऑप्शन हो ऑप्शन डी इज़ द करेट ऑप्शन नेक्स्ट है वॉट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम होता है या फिर उस प्रोग्राम को आप क्या कहेंगे जो कि कोई भी फॉल्ट है या फिर कोई उस फॉल्ट का कोई कॉज है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन कुकीज़ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी को बूट डिस्केट्स तो उसको क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर नाम में एक डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोस करता है कि क्या फॉल्ट है या फिर क्या कॉजेस हैं उस फॉल्ट के तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आपको बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है NAV एफ प्रोट ओरेकल या फिर मैक कैफे तो देखिए मैक कैफे एफ प्रोट एन ए बी आपने सुना है एंटीवायरस है लेकिन ओरेकल क्या है ये ओरेकल एंटीवायरस नहीं है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नेक्स्ट है ए नॉर्मल सी डी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डेटा तो पहले आपको आपने देखा होगा अगर आपने यूज किया होगा सी डी सी डी आते थे म्यूजिक सी डीज आते हैं तो सी डी में कितना स्पेस होता था तो नॉर्मली आपको अगर याद हो तो छह सौ अस्सी होता था लेकिन छह सौ अस्सी क्या के बी बाईट एम बी या जे बी तो कैट ऑप्शन है ऑप्शन सी एम बी छः सौ अस्सी एम बी का सी डी रोम आता था कॉम्पे डिस्क रीड ऑनली मेमोरी नेक्स्ट है ए एस सी आई आई स्टैंड फॉर तो यहाँ पे भी आपको देखिए याद करना होगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है अगर नहीं याद है तो करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे तुक्का लगाएंगे, सही हो गया तो सही हो गया तो ए एस सी आई आई का मतलब क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आप याद कर लीजिएगा चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉच तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो चीफ कंपोनेंट था वो क्या था ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द वेब तो फर्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था जो हार्डवेयर था चेंज हुआ था तो फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर था या कंपोनेंट था वो क्या था ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूबर वॉल्स का यूज जो यहाँ पे किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या था वैक्यूम ट्यूबर वॉल्स सेकेंड जनरेशन क्या है ट्रांजस्टर आया फिर मैग्नेटिक टेप्स आया थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए फोर्थ जनरेशन में वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स आयानी वेरी लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आए और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएस आई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स आए तो ये यूएलएस आई वी एल एस आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स ट्रांजिस्टर वैक्यूम टू भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से जनरेशन में कौन सा जो है चीफ कंपोनेंट फिर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज किया हुआ था नेक्स्ट है फोर एज तो फोर क्या होता है फाइल ट्रांसलेशन फॉर्मेट ट्रांसलेशन फॉर्मुला ट्रांसलेशन या फिर फ्लॉपी ट्रांसलेशन देखिए फोरट्रॉन क्या है हाई लेवल लैंग्वेज होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप ड्यूरिंग तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुए थे 1949 से 1955, 1956 से 1965, 65 से 70, 70 से 1990 तो so देखिए ये ईयर जो है ना एक दो साल आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं किसी अलग अलग बुक में मिलेंगे तो so नॉर्मली जो आपको छप्पन से पैंसठ के बीच में दिखे या पचपन से पैंसठ के बीच में दिखे तो वही आपका क्या है सेकेंड जनरेशन है तो ऑप्शन बीज दिखाई ऑप्शन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू नाइनटीन ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इसी में आए थे हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक तो इनायक कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था वैन न्यूमैन ने जोसेफ एम जैकर्ड ने जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउचली ने या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द वैन के के ऊपर सभी ने तो पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनायक उसको डिजाइन किया था ऑप्शन सी जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू माउचली ने इसको डिजाइन किया था नेक्स्ट है हु द हाई लैंग्वेज लेवल सी तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है उसको किसने इन्वेंट किया था डेनिस एम रिची निकोलस विथ सैमर निकोलसमर या फिर ऑप्शन डी डोनाल्ड

तो वायरस की तरह होता है और रेप्लीकेट खुद ही रेप्लीकेट कर लेता है तो उसको कहते हैं वॉर्म तो करेट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वॉर्म नेक्स्ट है डी ओ एस स्टैंड फॉर द डॉस एम एस डॉस आपने पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है सभी को पता है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं नेक्स्ट है आई बी एम स्टैंड फॉर आई बी एम का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनल बिजनेस मशीन तो ऑप्शन क्या है यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई का फुल फॉर्म यही होता है याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब यहां पे फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है तभी आपने पीछे देखा डेनिस रिची इनको फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन है सारे के सारे फंक्शन होते हैं एलोकेट रिसोर्सेज मॉनिटर एक्टिविटीज मैनेज डिस्क एंड फाइल ऑल ऑफ द एबर नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डैश इज टू सेटअप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसका प्राइमरी फंक्शन होता है जहां पे हार्डवेयर को सेटअप किया जाता है और लोड किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है तो A, program, BIOS, तो है तो तो ऑप्शन 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 प्रोग्राम मेमोरी क्या बी अभी आपने पीछे ही पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो एक्टिवेट होता है और वो जो है हार्डवेयर उन डेटा कम्युनिकेट करता तो गैट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बायो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपको बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्ट वो कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया कि और साथ साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर है या फिर ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो देखिए आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है साथ ही साथ वो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी रन करता है तो ऑप्शन बी इज बीज दिखोप्शन ऑप्शन ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा तो आपको बताने कि कौन सी एबिलिटी को हम कहते हैं जहां पे हम डायरेक्टली डेटा से दूसरे डेटा पर पे हम एक डेटा से दूसरे डेटा पे जंप कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं अचानक से आपने पहले इसको एक्सेस किया फिर अचानक से दूसरे डेटा आप जंप कर रैंडम एक्सेस तो में क्या होता है सिक्वेंस में चलता है क्विक एक्सेस क्या जल्दी करेगा लेकिन जरूरी है कि आप एक जगह से दूसरे जंप कर सकते हैं लेकिन रैंडम एक्सेस ये एबिलिटी होती है दूसरे डेटा पे तुरंत

ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है सबको बेसिक और सी प्लस प्लस एक्सएल है तो लैंग्वेज नहीं है नेक्स्ट है कोबोल इज एन एक्रोनिम फॉर तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज करेक्ट ऑप्शन ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का एक्रोनिम यही होता है नेक्स्ट डैश इज दाइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमस डू तो आपको पता है कि कौन सा वो है जहाँ पे एक तरीके का साइंस है जो कि एग्जैक्टली exactly वही इंटेलिजेंस रखता है जो कि ह्यूमन के अंदर होता है नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी सैम्युलेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ए आई जो तो आप सभी ने पढ़ा होगा ए आई क्या है ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमस डू तो आर्टिफिशियल का यूज करके हम एक्जैक्टली exactly ह्यूमन जैसा

कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहते हैं डेटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन डी प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑप्शन डी इज द कट ऑप्शन लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन एज ए पैटर्न ऑफ बिट्स रिफर्स टू तो आपको बताना है कि लैंग्वेज वो कौन सा लैंग्वेज है जहां पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बिट्स के रूप में लिखे होते हैं बिट्स के पैटर्न में लिखे होते हैं मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में फिर ऑप्शन डी नन तो यहाँ पे कट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में जो बिट्स के रूप में लिखा था जीरो वन जीरो वन इस तरीके से लिखे होते हैं वहीं पे असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है सिम्बोिक रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है निमोनिक्स वहां पे जो लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाता है निमोनिक्स में वहीं पर हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में होता है तो मशीन लैंग्वेज में बिट्स यानी बाइंड्री नंबर जीरो वन असम्बली लैंग्वेज में निमोनिक्स यानी सिम्बोिक रिप्रेजेंटेशन और हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में थी आपको याद होना चाहिए नेक्स्ट है निमोनिक्स वेयर यूज इन विच लैंग्वेज तो अभी जस्ट आपने पीछे देखा तो निमोनिक्स कहाँ यूज होते हैं मशीन लैंग्वेज में असेंबली फिर एच यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में तो करेट ऑप्शन क्या हो जाएगा निमोनिक्स के लिए ऑप्शन भी असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स का यूज किया जाता है इसको हम सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं वहीं पर असेंबली में क्या है सेकंड लेवल जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है फुल फॉर्म ऑफ बेसिक लैंग्वेज इस तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या है तो ये भी आपको याद करना होगा तो सीधे सीधे ऑप्शन में चलते हैं दैट इज बिगनस ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या है बिगनस ऑल परपज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड याद होना चाहिए आपको नेक्स्ट है ये जो डेवलप किया गया था बेसिक लैंग्वेज ये जब डेवलप किसने किया था जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ज एट दर्माउथ यूनिवर्सिटी इन 1965 तो दर्माउथ यूनिवर्सिटी में 1965 में जॉन कैमनी और थॉमस कर्ज ने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था यानी कि बिगनस ऑल पर्पज सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज मेनली फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन इज तो नीचे आपको जो है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज दिए गए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि सिर्फ मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही मेनली बना था तो बेसिक कोबोल फोर्टॉन या सी प्लस प्लस तो अगर आपको फॉर्मुला याद हो फोरटन क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो ऑप्शन सी इज दी ऑप्शन फोर्टान ये किसने इन्वेंट किया था जॉन डब्ल्यू बैकर्स ने 1956 में इसको डेवलप किया था फोर्टान को नेक्स्ट है एल आई एस पी इज ए लिस्प इज ए ये क्या है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है सेकेंड जनरेशन थर्ड या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है तो लिस्प इज ए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और में क्या है लिस्ट प्रोसेसर लिस्ट का फुल फॉर्म क्या है प्रोसेसर. लिस्ट प्रोसेसर एल आई एस टी लिस्ट पी से प्रोसेसर इन्वेंटेड बाई जॉन मैकार तो जॉन मैकार ने इसको इन्वेंट किया था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है नेक्स्ट है फजीलॉजिक एंड न्यूरल नेटवर्क आर तो फजीलॉजिक और न्यूरल नेटवर्क कौन से जनरेशन

कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उसको क्या कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम डाटा आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज या फिर ऑप्शन डी ऑल तो कैट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं उसको नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो क्या है प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन यानी कि कोई पर्टिकुलर आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने जो है एप्लीकेशन उसमें डालते हैं जैसे कि एम एस एक्सेल हो गया एम एस पावर पॉइंट हो ये एप्लीकेशन सॉफ्ट होते हैं यूटिलिटीज ये क्या होते हैं प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज टू ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर कहते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया वो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है असेंबलर कंपाइलर ओ एस इंटरप्रिटर आर तो असेंबलर कंपाइलर ओ एस इंटरप्रेटर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूटिलिटीज है फिर ऑप्शन डी ऑल है तो देखिए असेंबलर कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर ये क्या है ये कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए जरूरत है इनके बगैर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर ही नहीं सकते हैं तो ये क्या हो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो एम एस ऑफिस जैसा भी अभी एग्जाम्पल बताया वहीं पर यूटिलिटीज़ में क्या हो गया जैसे एंटी वायरस हो गया डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया रजिस्ट्री क्लीनर हो गया या फिर नेटवर्क मैनेजर हो गया ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इन टू तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS, वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है तो OS है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में क्लासीफाई होता है जी वाई सी वाई ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर या फिर ऑप्शन डी ऑल तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरी में इनको जो है डिवाइड किया जा सकता है जी वाई एंड सी यू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एंट करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इन दोनों में डिवाइड करते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नॉर्मली हम यूज करते हैं देखिए आप सिस्टम यूज करते हैं तो आप एक ग्राफिक्स में ही माई कंप्यूटर बना हुआ है रिसाइकिल

तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो इस वीडियो में इतना है यू ऑल द बेस्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू